आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है गोकट। इसमें होता क्या है, आप अपने वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। इस एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोकट एप्लीकेशन को फ्री यूज कर सकते हैं और मनी पे करके भी यूज कर सकते हैं। आपको जिस तरह से बेस्ट लगे आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। गोकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं चलता हूं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च कर लेना है गोकट। गोकट सर्च करने के बाद तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन आता है, आपको सिंपली तरह से उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैं पहले से ही इंस्टॉल किया हूं। अब हम चलते हैं होम पे। होम पे आने के बाद अब यहां सिंपली तरह से देख सकते हैं गोकट एप्लीकेशन यहां आ चुका है। आने के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले गोकट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली तरह से यहाँ आपको मनी पे करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको सिंपली तरह से कंटिन्यू पे टाइप करेंगे तो यहाँ आप मनी पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद अब इसको हम फ्री यूज करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक एरो मिलेगा, उस पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ वह जो एड्स है वो हट जाएगा। हट जाने के बाद यहाँ नीचे साइड एक प्लस का आइकन है, उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सीधा आपके गैलरी में लेके आ जाएगा। आने के बाद आप जिस वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे साइड एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं जो गोकट एप्लीकेशन का इंटरफेस है वह देखने को मिल जाएगा। यहाँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन है LVFX, तो सिंपल से इसको ओपन करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ देखने को मिल जाएगा। हम वीडियोस को स्क्रॉल कर दे रहे हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपको जहां से स्टार्ट करना है लगाना उसको आप सिंपल तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ मैं एक टेम्पलेट्स का यूज करके दिखाने वाले हैं। आप जिस टेम्पलेट्स का यूज करना है आपको उसके ऊपर फिंगर रख देना है। रखने के बाद यह स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लाइंस पे। लाइंस वाले पे आप अलग अलग प्रकार के लाइंस है जो इसमें अलग अलग प्रकार के लाइंस लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टिकर पे। स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसमें अलग अलग प्रकार के स्टिकर मिल जाते हैं जो आपको सिंपली तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं एक स्टिकर ले रहा हूँ। लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ स्टिकर्स आ जाते हैं जो इसको आपको देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं बैक। अब हम चलते हैं म्यूजिक वाले पे। म्यूजिक वाले पे जाने के बाद आपको म्यूजिक वाले पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप जिस वीडियोस के म्यूजिक को लगाना चाहते हैं यहाँ आपके गैलरी में होना चाहिए तो आपको इंस्टॉल करके लगा लेना है। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद अगर आप म्यूजिक को ऑनलाइन लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन म्यूजिक मिल जाते हैं, आप यहाँ सिंपल तरह से लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद अब हम आपको यूज करके दिखाएंगे VFX, तो VFX वाले पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद इसमें अलग अलग प्रकार की जो ट्रेंडी है ट्रेंडी मिल जाता है, आपको सिंपल तरह से यहाँ से आपको यूज कर लेना है। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ एडिट क्लिप्स है, एडिट क्लिप्स वाले पे टैप करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार की एडिट क्लिप्स मिल जाते हैं जो यहाँ देख सकते हैं। स्प्रिट है, वॉल्यूम है, फिल्टर है, स्पीड है, एडजस्टमेंट है, इसमें आप अपने वीडियोस को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ देख सकते हैं एक ब्रश का ऑप्शन है, ब्रश वाले पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आप जिस टेक्स्ट के कलर को रखना चाहते हैं आप उस टेक्स्ट के कलर को ले लेना है। लेने के बाद आपको जिस रेक्टेंगल में रखना चाहते हैं जो लाइंस है उसको आप सिंपल से सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पे फिंगर को इस तरह से कुछ रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यह आपको सिंपल तरह से देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर आप इस लाइंस को रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेजर का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ जो लाइंस है आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसको लॉन्ग यानी कि अप कर देना है। अप करने के बाद इसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद इस टेम्पलेट्स का इस तरह से यूज कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं टैक्स वाले ऑप्शन पे। टैक्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप जिस यहाँ जो भी टैक्स रखना चाहते हैं यहाँ सिंपल तरह से रख सकते हैं। मैं जैसे अपना नाम लिख दे रहा हूँ, तो नाम लिखने के बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इसमें अलग अलग प्रकार के फॉन्ट, कलर, स्टिकर, यहाँ अलग अलग प्रकार की देख सकते हैं। आप जिस भी कलर रखना चाहते हैं उस कलर को आप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इस तरह से आप अपने फॉन्ट को रख सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओवरले। ओवरले पर टैप करने के बाद इसके ऊपरी हिस्से पे जो अपना इंटरफेस रखना चाहते हैं कुछ, या तो फोटो या तो वीडियोस, तो मैं फोटो पे टैप कर दे रहा हूँ। टैप करने के बाद आप जिस भी फोटो को रखना चाहते हैं यहाँ सिंपल तरह से आप अपने फोटो को रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से अपना रख सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिम वाले ऑप्शन पे। ट्रिम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसमें अलग अलग प्रकार के ट्रिम मिल जाते हैं। आप जिस प्रकार की वीडियोज बनाना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब वाले पे टैप कर देना है। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद इस तरह से इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को कैसे आपको सेव करना है मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको 720 वाले पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहां आप जिस वीडियोस की क्वालिटी को रखना चाहते हैं उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट वाले पे टैप करना है। एक्सपोर्ट वाले पे टैप करने के बाद यह आपका प्रोसेसिंग हो के जो सेव हो जाएगा आपके गैलरी में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, भाई सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। तो सो थैंक यू आपको।